यहाँ पर आप देख रहे हैं सब वूफर, वो यहाँ पर है तो मेरी नी इससे टकराती है। नई Hyundai Verna 2023 क्या फ्रंट एंड पसंद आता है? नहीं, बहुत लोग बोल रहे हैं पुरानी वर्ना का ज्यादा अच्छा था। मैं बोल रहा हूँ ये वाले को इन पर्सन देखो फिर डिसाइड करो। बहुत सारी चीजें इस गाड़ी के बारे में जो पहले से बदल गई हैं, कुछ इंप्रूव हो गई हैं। व्हाट एग्जैक्टली आर दोस और क्या ये पुरानी वर्ना का वो फैन फॉलोइंग को रिटेन कर पाएगी? Hyundai बड़ा कॉन्फिडेंट है, मैं देख के बात करूंगा। वो पहले इस्तेमाल करे फिर विश्वास करे, दैट काइंड ऑफ गाय। पैसा तेरा बाप देगा। फ्रंट एंड में बहुत सारी चीजें, वो पता है वैसी थाली लग रही है जिसमें 16 चीजें होती है, आपको पता होता है क्या नहीं खाओ क्या नहीं खाओ। सबसे पहले यहाँ पर जो आपको दिख रहा है वो रेडार सिस्टम है ADAS का। ADAS लोग कहते हैं इंडिया में ज्यादा जो है सक्सेसफुल नहीं है, लेकिन ये रेडार बेस्ड है, ये कैमरा बेस्ड नहीं है जैसे होंडा सिटी में होता है, तो ये थोड़ा बेहतर परफॉर्म करेगा स्पेशली इन द नाइट। दूसरी चीज, ये जो एलिमेंट्स है मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरे पास एक वेन्यू एनलाइन है, जैसे एलिमेंट्स i20 के बाद यहाँ पर शुरू हो गए, ये बहुत जल्दी गंदे होते हैं, देखिए वहाँ पे बहुत जल्दी गंदे होते हैं। तो आप रोज गाड़ी धुलवाने वाले को बोलेंगे क्या 100 रुपया ज्यादा लेना, लेकिन बराबर साफ कर बोलेगा सर मैं कर रहा हूँ, 100 रुपया ज्यादा लेगा। जो ये प्रोजेक्टर LEDs है ये तो बहुत अच्छे हैं, ऐसे 3 इसके सेक्शन भी बनाए हुए हैं, लेकिन जो नीचे यहाँ पर ये जो हैजर्ड लाइट्स है, पार्किंग लाइट्स है, वो बोरिंग येलो वाले हैं, पुक चुक, वो बहुत ही बोरिंग येलो वाले हैं, तो वो ज्यादा अच्छे नहीं लगते। यहाँ पर कुछ एरोडायनेमिक एलिमेंट्स बनाने की कोशिश की, आई कैन गारंटी यू कोई जो है फर्क नहीं लाते। लेकिन यहाँ पर फ्रंट पार्किंग सेंसर Hyundai ने जिसने ये डिसीजन लिया ना, मैं आपके बच्चों के मुंडनों में आके नाचूंगा। क्यों मालूम? एक लंबी गाड़ी में जो ये है 4.5 मीटर की गाड़ी, एक फ्रंट पार्किंग सेंसर कितना काम आता है जब आप यू नो किसी लो कोई ऐसे स्पीड ब्रेकर के नज़दीक है, कोई यू नो पार्किंग के वक्त किसी ऐसे लेज के नज़दीक है, ये इतना काम आता है। कट टू कट टर्न ले रहे हैं इतने काम आते हैं, ये हर गाड़ी में कंपलसरी कर देना चाहिए, क्योंकि गाड़ी आगे से ठुकती है ना तो चोट दिल पे लगी। बाकी कनेक्टेड लाइट्स बहुत अच्छे लग रहे हैं। एक्चुअली क्या है कि कनेक्टेड लाइट जितने डोमिनेंट हैं या अनेक वगैरह की लाइन से आए हुए हैं कि ये बहुत ही प्यारे लगते हैं, इट्स द फर्स्ट थिंग दैट ग्रैब्स योर अटेंशन। लेकिन उसके ऊपर का जो Hyundai का लोगो है, जिसने भी इतना बड़ा लोगो बनाया है, इतना बड़ा क्यों बना दिया मुझे समझ में नहीं आ रहा। लुक एट दैट, ग्रिल बहुत बड़ी है, कुछ ज़्यादा ही बड़ी है, बड़ा अच्छी लग रही है, नॉट बैड। सो फ्रंट एंड इज़ नॉट बैड, आप इन पर्सन इसे देखते हो तो आप पे ग्रो होता है। हाँ, जिन्हें पुराना फ्रंट एंड पसंद है पुरानी वर्ना का, उन्हें ये पसंद नहीं आएगा, मेरी गारंटी है, लेकिन इन पर्सन देखोगे तो शायद थोड़ा अच्छा लगने लगेगा। ये दूसरा पॉइंट जिसके लिए लोग गाड़ी को लेकर के बहुत ज़्यादा रो रहे हैं वो है इसके इंजन बे में बैठा ये कंट्स मामा। ये है द टर्बो 1.5 लीटर इंजन। ये इंजन जो है बहुत फ्यूल एफिशिएंट होने के साथ साथ बहुत पावरफुल है, 158 हॉर्स पावर, 253 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क। इन द स्ट्रेट लाइन दिस कार इज बीटिंग द स्लाविया लाइक, बट द प्रॉब्लम इज लोगों को इसको 1.6 लीटर जो बंद हो गया डीजल इंजन बहुत ज़्यादा पसंद था, वो एकदम NVH लेवल उसका बहुत कम था, आवाज़ ज़्यादा नहीं करता था, बहुत फ्रूगल था, डिसेंटली पावरफुल था, बहुत स्मूथ था, बहुत रिफाइंड था। अब लोग बोल रहे यार वो चला गया, वरना का खरीदने का मतलब ही क्या है, उसे चला के देखेंगे। मैंने रिपोर्ट अच्छी सुनी है, गाड़ी में पिकअप है, फ्यूल एफिशिएंसी बाम्बू। देखो बस, हम बहुत गर्मी में ये सब वीडियो शूट करते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। वरना इज़ अ गुड कार। वरना जो है साइड से मुझे देखने में बहुत अच्छी लगती है। सबसे पहली चीज़ है 16 इंच के टायर्स, जिनमें ब्लैक अलॉय व्हील्स हैं, जो रिम्स हैं मुझे अच्छे लगते हैं, लेकिन मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स कहते हैं कि ये मैट ब्लैक होने चाहिए थे। आई अग्री विद दैट, बट एटलीस्ट मेरी Hyundai Venue N-Line के जो टायर्स हैं उससे ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं इसके टायर्स। उसके बाद साइड की तरफ आएंगे तो आपको बहुत सारे क्रीजेस दिखेंगे। एक बच्चे को ऐसा पेंसिल और स्केल दिया, बोला बेटा बना तू, तो थोड़ी सी आपको जो है कुछ लाइंस आपको जो ऑक्टेविया बंद हो गई है जिसका मुझे बड़ा दुख है उसकी याद दिलाएंगे, बट यहाँ पर से सारा गेम शुरू हो जाएगा। पहली बार आप गाड़ी को देखते हो तो जो ये वीडियो शूट कर रहे हैं उन्होंने बोला था स्पोर्ट्स कार लग रही है, वो इसीलिए क्योंकि सी पिलर से एक फास्ट बैक हो जाती है गाड़ी। फास्ट बैक मतलब स्लोपिंग रूफ लाइन आ जाती है, बहुत अच्छी लगती है। उसके साथ ये जो एक एरो शेप्ड एलिमेंट जो आ रहा है मैट सिल्वर का, इट्स नॉट इट्स लिटिल सैटिन फिनिश जैसा, इट्स नॉट दो शाइनी क्रोम वाला, वो अच्छा लग रहा है मुझे। थोड़ी सी फ्यूचर प्रूफ है, थोड़ी सी ओवर डन है, लेकिन आई थिंक दिस कार कैन एज वेल। ये अच्छी दिख रही है साइड में, और साइड से ही इसके जो है टेल लैम्प शुरू हो जाते हैं। लुक एट दैट, जो लोगों को इतने पसंद नहीं आ रहे वो बोले जो पिछली वरना की स्टेटली लुक थी वो इसमें नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एलिमेंट्स हैं, यहाँ पर एलिमेंट्स हैं, यहाँ पर एलिमेंट्स हैं, यहाँ पर एलिमेंट्स हैं। तो यहाँ पे तो जो लाइट जल जाती है ना, आपने कोई बंगाली शादी देखी होगी तो वो जो ब्राइड है उसको कैसे वो पूरा लगाते हैं वैसे लगने लगती है ये। इट लुक्स नाइस एक्चुअली,
बट सम पीपल आर लाइकिंग इट, सम पीपल आर नॉट लाइकिंग इट. मुझे क्या पसंद नहीं है, अगर आप नीचे आएंगे यहाँ बम्पर की तरफ नीचे, पहले तो पार्किंग सेंसर्स, थैंक यू. दूसरा ये जो ब्लैक एलिमेंट है, इसे नज़दीक से आके देखेंगे तो ये जो एलिमेंट्स होते हैं पियानो फिनिश वाले क्रिस्टल इफेक्ट देने के लिए, ये बहुत जल्दी गंदे होते हैं, बहुत गंदे लगने लगते हैं. और फिर आपको अच्छा लगेगा एक स्कॉडा टाइप का बूट, इतना यूजेबल बूट एक ह्युंडई वर्ना में. इस गाड़ी का सबसे बड़ा जो व्हील बेस हो गया है उसका एक एडवांटेज ये है कि बूट के लिए बहुत जगह बच रही है. बूट बहुत बड़ा है 528 लीटर का, लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं सब वूफर वो यहाँ पर है. मान लीजिए आपने यहाँ कोई सूटकेस वगैरह रखा जो उसके अगेंस्ट डैश कर रहा है, या सूटकेस डैमेज होगा या वूफर, वूफर की ज़्यादा चांसेस है. थोड़ा सा वो बाहर ऐसे अक्सर इन साइड में होता है, डर लग रहा है देख के. 1.5 लीटर टर्बो की बैजिंग, वर्ना की बैजिंग, ग्लास हाउसिंग के अंदर. आगे की सीट जो है इस वक्त एक ऐसे इंसान के लिए सेट है जो ऑलमोस्ट 6 फुट 2 इंच हो सकता है. यहाँ पर मैं बहुत आराम से बैठा हुआ हूँ, इफ लुक एट मी, मैं बहुत ही कंफर्टेबल हूँ. हाँ पसीना बहुत आ रहा है, एसी चालू नहीं है, लेकिन डोर पे साइड पे आप आएंगे तो फ्रंट और रेयर डोर्स में एक चीज़ कॉमन आपको दिखाता हूँ. ऐसे लगता है वुल्वरीन आके इसको स्क्रैच करके गया है. बोस का साउंड स्पीकर सिस्टम, थोड़ी सी क्वालिटी यहाँ पर, थोड़ी सी मुझे लग रहा है कि फिट फिनिश थोड़ी सी बेहतर हो सकती थी. हालांकि ये एलिमेंट मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आर्मरेस्ट का. यहाँ पर काफ़ी अच्छे बड़े साइज़ के बॉटल होल्डर्स हैं, मैप के यहाँ पर पॉकेट्स हैं, पीछे सीट का रिक्लाइन अच्छा है. मैं पैरों को जो है यहाँ पर अच्छा, आपको लेग रूम दिख रहा होगा, पैरों को आगे स्लाइड कर पा रहा हूँ और अंडर थाई सपोर्ट अच्छा है क्योंकि सीट्स ऊपर की तरफ इंक्लाइन हो रही हैं. तो ठीक है अंडर थाई सपोर्ट, मैं नहीं कहूँगा बहुत रॉकिंग है, बट ठीक है. आई थिंक होंडा सिटी का थोड़ा सा बेहतर है, मैंने उसे भी टेस्ट किया हुआ है. दूसरी चीज़, यहाँ पर थोड़ी सी थिएटर सीटिंग है, हल्की सी ये सीट मुझे ऊपर लग रही है ताकि मैं बाहर आराम से देख सकूँ, तो जो शोफर ड्रिवन वगैरह होते हैं उनके लिए बहुत काम आएगा. ओवरऑल आई लाइक द बैक सीट इन स्पाइट ऑफ द स्लोपिंग रूफ लाइन. यहाँ पर हेड रूम है, आप 6.5-7 फुट का इंसान बिठा दोगे तो थोड़ा कम ही लगेगा, बट एक एवरेज इंडियन के लिए यहाँ बहुत हेड रूम है. मैं 6'1" का हूँ, मैं आराम से बैठा हूँ, यहाँ पर मेरे लिए कैन सी दैट हेड रूम है. हाँ शोल्डर रूम 2.5 में, ढाई लोगों के लिए, मतलब दो बड़े लोग एक बच्चा बैठ सकते. पीछे यहाँ पर एक सनशेड है जो आपके काम आएगा. एक्चुअली पता है मैंने, मेरी पिछली गाड़ी में भी सनशेड था, मैंने आज तक कभी ऊपर नहीं किया क्योंकि मैं चलाते वक्त जब पीछे देखता हूँ मुझे सिर्फ सनशेड दिखता है, मेरे कभी काम नहीं आता. तो आई डोंट यूज़ इट. आप यूज़ करते हैं तो मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा कि आगे की गाड़ियों में ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए. मुझे ड्राइव करते वक्त थोड़ी सी दिक्कत होती है. यहाँ पर आई लाइक दिस बैक सीट. ये एक फीचर के बारे में लोग बात नहीं करते हैं, पहले तो ये स्लाइडिंग आर्मरेस्ट को ऊपर किया. यहाँ डस्टबिन है बॉस, इसको निकाल के आप ये रोड पे कचरा नहीं फेंकना इसमें जमा करके. रोड तेरे बाप की नहीं है, चाल का नाम पैसा तेरा बाप देगा. बढ़िया, आप अंदर और स्पेस भी क्रिएट कर सकते हैं. दिस इज़ द फेवरेट पार्ट. यहाँ पर क्या होता है ना यार, अक्सर आप कप रखते हो वो थोड़ा सा ऐसे हिलडुल सकता है. तो लुक एट दैट जादू, बंद किया, नाइस, वापस, ए मस्त, आई कैन प्ले विद दिस ऑल डे. तो ये बहुत ही अच्छा होल्डिंग सिस्टम है विच आई रियली लाइक. उसके बाद भी यहाँ जगह बचती है कि यहाँ आपको कुछ रखना है तो रख सकते हो. ऑटो होल्ड, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, ये दोनों सिर्फ DCT में आते हैं. मैनुअल में जो है, मैनुअल जो है पुल ब्रेक आता है और वो मुझे अच्छा लगता है, उसकी एक अलग फील होती है, बट ये अच्छा है. फर्स्ट टाइम इन अ कार मेरा जो आईफोन 14 प्लस है यहाँ पे फिट होता है और पहली बार ऐसा मुझे एक चार्जिंग दिख रहा है, वायरलेस ची चार्जिंग, जहाँ पर फ़ोन कंटिन्यूस चार्ज होगा क्योंकि 14 प्लस को एटलीस्ट मैं यहाँ बिठा देता हूँ तो वो हिलता नहीं है. प्रॉब्लम इज़ यू कैन नेवर यूज़ इट. आस्क मी व्हाई, क्योंकि जहाँ पर 10.25 इंच की स्क्रीन होती है या 8.5 इंच की भी स्क्रीन होती है हुंडई के पास, उसमें वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले नहीं होता है. मेरी वेन्यू एनलाइन में भी नहीं है. इट्स एब्सोल्युटली इरिटेटिंग कि ये क्यों नहीं है, जब इतना अच्छा आपने वायरलेस चार्जर दिया है तो वो होना चाहिए था. इट्स अ ग्लेयरिंग मिस एंड आई डोंट लाइक इट. इंटीरियर के कुछ पॉइंट्स हैं जिसके बारे में लोग बात नहीं करते हैं. ये एक टॉफी की तरह दिखने वाला ये स्टेयरिंग व्हील, यार ये पुरानी सेंटर में जो स्टेयरिंग व्हील आता था ना वैसा लगता है. ये 2-स्पोक थोड़ा सा अजीब लगता है, लाइक लोगों को पसंद आ रहा है, आई एम नॉट सेइंग कि पसंद नहीं आ रहा है, बट ये सीधा करो उल्टा करो एक जैसा ही लगता है यार. लुक एट दिस एंड दिस, बढ़ा इसमें बटन्स बहुत सारे और यूजफुल वाले हैं. ADAS के लेन असिस्ट एंड यू नो क्रूज कंट्रोल एंड कोलिजन वार्निंग सिस्टम्स वगैरह के हैं जो आपको MID और इंफोटेनमेंट सिस्टम में भी यूज़ करने मिलते हैं. लेकिन आई वुड हैव लाइक टू हैव अ स्लाइटली स्पोर्टियर स्टेयरिंग. ये हो गए वेंटिलेटेड सीट्स, ये हीटेड फंक्शन, ये वेंटिलेटेड मुंबई के लिए, ये हीटेड सर्दियों में दिल्ली के लिए, कितना अच्छा है. दोनों का सोचा है. जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है इस गाड़ी में, जो लोग जिसकी बहुत तारीफ कर रहे हैं, आई एब्सोल्युटली हेट इट,
वो है ये बटन। अब ये बटन क्या है, अब आप देख रहे हैं कि आपको एसी के फंक्शन यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, करेक्ट। यहाँ से मैं जो है एसी के जो मोड चेंज कर सकता हूँ, ये कर सकता हूँ, कम ज़्यादा कर सकता हूँ फ़ैन की स्पीड को। अगर मुझे इस स्क्रीन को यूज़ करना है तो मुझे इस बटन पे दबाना पड़ता है और वो टॉगल करके यहाँ पर, जब मैंने देखी यहाँ एसी के फंक्शन, यहाँ मैंने टॉगल किया, ये आ गए, ये म्यूज़िक इंफरटेनमेंट सिस्टम, रेडियो सेटअप, हाउ टू यूज़ दिस एंटायर स्क्रीन, वो यहाँ पे आ गया। नाउ है ये सब, आई एम नॉट टेलिंग कि वो सब नहीं है, बट आई डोंट लाइक इट। क्योंकि यार जब मैं गाड़ी चला रहा हूँ, मुझे एक ऐसा बटन चाहिए। मैं अभी जैसे अपनी गाड़ी में होता हूँ, उसमें सब जो है टैक्टाइल यूजेबल बटन है, मैं बस, मुझे पता है वो बटन किधर है, मैंने बस ऐसे घुमाया और हो जाता है। यहाँ पर ठीक है मैं वॉल्यूम अप डाउन कर पाऊँगा, लेकिन फिर मुझे एसी अप डाउन करना है तो फिर मैं ऐसे करूँ, फिर ढूंढूँ, फिर रोड से नज़र हटाऊँ। आई डोंट थिंक इट्स अ ग्रेट आइडिया। कुछ एक्स्ट्रा यहाँ एक दो बटन होते तो मुझे उतनी तकलीफ नहीं होती, बट टू कीप इट क्लीन मिनिमलिस्टिक ये किया है Hyundai ने, विच इज़ वर्किंग फॉर सम पीपल। मैं पर्सनल ओपिनियन दे रहा हूँ, हो सकता है आपकी चॉइस कुछ अलग। दूसरी चीज दैट आई लाइक अबाउट दिस कार इज दिस ट्विन स्क्रीन सेटअप। ये हल्का सा ऐसे है, ऐसा नहीं है, ऐसे है, तो थोड़ा सा ड्राइवर की तरफ कर्व्ड है, तो वो अच्छा लगता है, स्पोर्टी लगता है, बहुत ऑडीश लगता है। तो इसके बारे में अक्सर लोग बात नहीं करते। जब मैं यहाँ पर बैठता हूँ तो मेरी नी इससे टकराती है, मैंने सीट बहुत पीछे की है, लेकिन क्योंकि ऐसे बाहर आ रहा है मेरी नी इससे टकराती है और उसके वजह से मुझे हल्का सा अनकंफर्टेबल लगता है। मैं पाँव को थोड़ा ऐसे करके बैठ सकता हूँ अजीमो शाह शहनशाह की तरह, बट वो कितना ही बैठूंगा, थोड़ा सा वो डिज़ाइन एलिमेंट की वजह से वो होता है। इट्स नॉट अ मेजर इनकन्वीनियंस, आप थोड़ा एडजस्ट करके बैठ सकते हो। रेड पाइपिंग आपको सब जगह दिख रही होगी। एम्बिएंट लाइट में जो है आपको बहुत सारे कलर्स मिलते हैं, कस्टम कलर आप बना सकते हैं। देखिए अब मैं जो है कस्टम कलर को अगर चेंज कर रहा हूँ, मैं कुछ भी बना सकता हूँ तो वो चेंज हो जाता है। लेट्स मेक इट लाइक एब्सोल्युटली ब्लू, लेट्स मेक इट लाइक एब्सोल्युटली रेड, लेट्स मेक इट थोड़ा सा और अंधेरे में अच्छा दिखाई देगा। एसी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी तरह कूल कर रहा है। वेंटिलेटेड सीट्स के लिए मैं मतलब आपके बच्चों के मुंडनों में नाच लूंगा, मैं मतलब कहीं पे आपके मतलब घरों में खाना वाना सर्व कर दूंगा, इतना अच्छा लग रहा है मुझे। वेन्यू मिस्ड इट इन दी एन लाइन विच आई बॉट द वेन्यू, आई एब्सोल्युटली हेटेड इट। अदरवाइज दिस कार्स इंटीरियर इज वेरी नाइस, इट्स एक्सट्रीमली स्पेशियस। कहीं कहीं मुझे ऐसा लगता है कि पैनल फिटिंग्स थोड़े से बेहतर हो सकते थे, बट ओवरऑल वेरी Hyundai। इट्स नॉट अ बिग सनरूफ, इट्स जस्ट अ नॉर्मल सनरूफ, नॉट अ पैनोरामिक सनरूफ, क्योंकि इस सेगमेंट में पैनोरामिक सनरूफ आती ही नहीं है। तो इट्स अ नॉर्मल सनरूफ विच इज ऑल राइट, थोड़ी और खुल जाएगी तो ठीक लग रही है यार। ये गाड़ी मुझे जेन्युइनली पसंद आ रही है। कुछ ग्लेरिंग मिसेस है, वो हर गाड़ी में होते हैं यार, कोई गाड़ी परफेक्ट नहीं होती। मैं परफेक्ट नहीं हूँ। वॉट आई लाइक इज, जो लोग कह रहे हैं अबाउट दिस कार इज नॉट ट्रू, इसका स्टेयरिंग सेंटर में लाइफलेस नहीं है और आगे के टायर्स में अच्छी खासी 35 का टायर प्रेशर है। उसके बाद भी मैं बोल रहा हूँ कि लाइट नहीं लग रहा है, मुझे तो इनफैक्ट अच्छा लग रहा है कि बराबर जितना एक सिटी ड्राइव के लिए लाइट होना चाहिए उतना है। बट ठीक, अब मैंने इसमें बहुत हाई स्पीड पर कॉर्नरिंग नहीं किया तो मैं झूठ आपसे नहीं बोलूँगा, लेकिन मुझे लाइफलेस नहीं लग रहा है, ड्राइवेबल लग रहा है, लाइट इनफ लग रहा है, ये पहली चीज़। दूसरी, जब मैं इसे स्पोर्ट्स में शिफ्ट कर रहा हूँ तब गाड़ी भागती है, नॉर्मल मोड में भी गाड़ी भागती है, तो वो 1.5 लीटर का टर्बो चार्ज इंजन, मच्योर, वेरी मच्योर, पावरफुल, क्वाइट स्प्राइटली वर्ड यूज़ करते हैं लोग, काफ़ी स्पार्की है, डल नहीं है इंजन बिल्कुल। मालूम पड़ता है कि थोड़ा सा जो नया इंजन है बनाया है, तबीयत से बनाया है। थर्ड थिंग आई हैव नोटिस व्हाइल ड्राइविंग दिस कार, द राइड इज नॉट ओवर सॉफ्ट। बहुत लोग बोल रहे हैं कि कुछ ज़्यादा ही सॉफ्ट है, ज़्यादा नहीं है, मुझे ठीक लग रही है। वाह, कोलिजन वार्निंग, एडास सिस्टम, वेरी गुड। इसकी लेन कीपिंग असिस्ट बहुत ही अच्छी है और काफ़ी अग्रेसिव भी है, मतलब आपको हल्का सा वो वाइब्रेशन देती है, आपको ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन की भी वार्निंग्स मिरर्स में आते रहते हैं, तो एडास इसका काफ़ी इफेक्टिव है। ओके, आई लाइक द ब्रेक्स ऑन दिस कार बेटर देन आई लाइक इट ऑन माई Hyundai Venue इनलाइन। पीछे भी इसके रेयर भी डिस्क ब्रेक्स हैं, सो वो अच्छे लग रहे हैं मुझे, दे आर कैलिब्रेटेड राइट। मेरी गाड़ी में जैसे फट करके लगते हैं कि पूछो मत, इसके एक अच्छी एक मच्योर सेडान की तरह ये कैलिब्रेटेड है और वो मुझे ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। रोड के अंडुलेशंस, बिकॉज राइड की बात हो रही है, ब्रेकिंग की बात हो रही है, रोड के अंडुलेशंस बहुत अंदर फील नहीं होते, एक कंप्लायंट राइड फील होती है। हालांकि मुझे लगता है कि सिटी की राइड थोड़ी सी बेहतर है,
सिटी के इंजन का परफॉर्मेंस भी काफी मच्योर है, इसमें पावर ज्यादा है, उसमें मच्योरिटी ऑफ ट्यूनिंग ज्यादा है। स्लाविया में भी लोग यही बोलते हैं कि ये गाड़ी बहुत अच्छी है, लेकिन स्लाविया को चलाने की मजा ज्यादा आती है अभी देख। और ये गाड़ी मुझे एक अच्छा माइलेज दिखा रही है 15.5 का। बिल्ड क्वालिटी को लेकर मैं बहुत खुश नहीं हूँ, क्योंकि कुछ कुछ एरियाज में वो एंटी ह्यूंडई प्लास्टिक स्टिकिंग जैसा लग रहा है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो अगर मैं इसको हिलाऊं तो ये थोड़ा सा हिलता है। लास्ट टाइम मुझे हेक्टर में दिखा था, ये नॉट सो ह्यूंडई है, बट अदरवाइज गाड़ी दिखने में बहुत स्पेशल है, यहाँ से चलने में भी स्पेशल है, क्योंकि पावर है, मच्योर राइड है, ब्रेक्स अच्छे हैं। आई डोंट हैव अ लॉट ऑफ कंप्लेंट विद दिस कार, मतलब मैं ये गाड़ी रोज ऑफिस चला सकता हूँ। मुझे फिलहाल काफ़ी देर से मैं चला रहा हूँ तो मुझे एक डिसेंट माइलेज भी दे रही है 15 का वो, जहाँ काफ़ी मुझे स्टॉप स्टार्ट ट्रैफिक भी लगा है। सो मैं हमेशा गाड़ी को एक समराइज करके हमेशा रिव्यू देता हूँ कि मुझे ड्राइव करने में कैसा आ रहा है। ऑटो स्टार्ट स्टॉप प्रीटी गुड, जैसे ही मैं आता हूँ मेरी स्पीड वो डिटेक्ट करता है, दिखता है कि मैं रुक गया हूँ, गाड़ी का इंजन अपने आप बंद हो जाता है। ये सारे फीचर्स मेरी वेन्यू एनलाइन में मिसिंग है, पता नहीं क्यों इतने सारे पैसे लेने के बाद, बट जैसे अभी हो गया ये स्टार्ट स्टॉप में बंद, और वो मुझे फ्यूल एफिशिएंसी अच्छी दे रहा है। दूसरी चीज़ जो मुझे अच्छी लगती है वो इस गाड़ी की सीट कंफर्ट है, एक्सेलेंट, वेरी गुड, वेरी वाइड। आई एम अ वेरी वेरी बिग मैन और मुझे बहुत अच्छी तरह होल्ड कर लेती है। ओवरऑल इस गाड़ी का जो NVH लेवल है, यानी कि नॉइज़ वाइब्रेशन हार्नेस, वो इतना क्वाइट है। ये देखिए अभी थोड़ी सी आवाज़ आपको एक्स्ट्रा आई होगी, बंद कर रहा हूँ तो एकदम सील हो रही है। जिन्हें थोड़ा सा स्टेटली डिज़ाइन चाहिए, थोड़ा सा अभी भी कॉर्पोरेट डिज़ाइन चाहिए गाड़ी का, सेट वाली वाइब चाहिए, वो अभी भी होंडा सिटी की तरफ जाएंगे, बिकॉज हर चीज़ जो है थोड़ी सी और हमारे पापा को पसंद आए वैसे वाले स्पेस में। ये वाली डिज़ाइन इतनी स्मार्टली रखी है ह्यूंडई ने कि थोड़ी सी और फंकी, थोड़े और यंगर क्राउड के लिए उन्होंने गाड़ी को क्लियरली पोजिशन बहुत अच्छा किया है। फीचर्स भर भर के दिए हैं, पावर भर भर के दे दी है, बहुत अच्छा लेग रूम, बहुत ही अच्छा ADAS, बहुत ही अच्छा बूट दे दिया है। सो ओवरऑल इट्स अ गुड कार। आई वुड सीरियसली कंसिडर बाइंग दिस इन रेड और ब्लैक अगर मैं सेडान की शॉपिंग के लिए निकला हूँ। इस गाड़ी को मैं बहुत अच्छे से टेस्ट ड्राइव करूंगा, इसमें बैठ के देखूंगा, सब कुछ यूज़ करके देखूंगा। हाँ, मैं ह्यूंडई से बहुत विनती करूंगा, इस गाड़ी का एंडलाइन मत बनाइए। क्यों? एंडलाइन में आप बिना वजह के राइड हार्ड कर देंगे, स्टेयरिंग फीडबैक देने के लिए कुछ उतना फीडबैक आएगा नहीं, मेरी वेन्यू एंडलाइन में उतना नहीं है। स्टेयरिंग का शेप बदल दीजिएगा, एग्जॉस्ट का नोट बदल दीजिएगा, बाकी इस गाड़ी में बहुत अच्छा है। वेंटिलेटेड सीट्स आपने दे दिए हैं, गाड़ी वैल्यू फॉर मनी लग रही है वर्सेस बाइंग अ लिटिल ओल्ड मर्सिडीज और समथिंग। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी भी बहुत सारे लोग जो ह्यूंडई पे इतना पैसा खर्चने जाएंगे वो क्रेटा की तरफ जाएंगे, बट इस गाड़ी को एक बार चला के देखना, वरना आप शायद वरना को मिस कर दोगे।